अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। पहले ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन संजय लीला भंसाली के अनुरोध के बाद इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। बताते चले कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा राधिका आप्टे और सोनम कपूर भी मुख्य भूमिका में है। वहीं अमिताभ बच्चन इस फिल्म में कैमियो रोल में है। इस फिल्म का ट्रेलर और गाने दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के प्रति लोगों को जागरूक करती है। यह फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथन की जिंदगी पर आधारित है। अरुणाचलम कोयम्बटूर के निवासी हैं। उन्होंने पहली बार देश में किफ़ायती कीमत वाले सैनिटरी नैपकिन ईजाद किए थे। ट्विंकल खन्ना ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नाम की किताब लिखी है, जिसमें अरुणाचलम मुरुगनाथन की कहानी बताई गई है। यह एक रियलिटी प्रोग्राम में खुद अक्षय ने भी अरुणाचलम के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्होंने कैसे जुगाड़ से करोड़ों की मशीन महज 60,000 रुपये में तैयार की थी। अगर वो चाहते तो इसे बेचकर करोड़ों रुपये कमा सकते थे, लेकिन समाज सेवा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोशल मैसेज देने वाली पैडमैन बतौर प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना की पहली फिल्म है। फिल्म को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया है। अक्षय ने फिल्म की शूटिंग 37 दिनों में ही खत्म की थी। इसकी शूटिंग इंदौर, दिल्ली और बनारस में हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि अक्षय को कैसे ये फिल्म करने का आइडिया मिला। एक इंटरव्यू में अक्षय ने खुलासा किया था कि उन्हें ट्विंकल खन्ना से ये आइडिया मिला था और घर की जो बाकी महिलाएँ थीं उन्होंने अक्षय को इस फिल्म को करने का मोटिवेशन दिया। अक्षय ने बताया था कि ट्विंकल उनके साथ महिलाओं से जुड़ी हर समस्याएं शेयर करती हैं। वह कहते हैं कि भारत में 91% महिलाएं सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जो कि टॉयलेट की समस्या से भी ज़्यादा बड़ी है। अक्षय की फिल्म का बजट 35 से 40 करोड़ बताया जा रहा है। पहले खबर थी कि उनका प्रोडक्शन हाउस पैसों की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन ये खबरें महज अफवाह निकली।